नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से एप्पल साइडर विनेगर यानी के सेब का सिरका बनाएंगे। मार्केट में जो बोतल आपको 200 से 300 रुपए में मिलेगी, वही बोतल आप 20 से 30 रुपए में आसानी से बना सकते हैं। और एप्पल साइडर विनेगर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बैड बैक्टीरिया बनते हैं ना, उन्हें ये मार देता है और हमें हेल्दी रखता है। तो किन लोगों को लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेब का सिरका बनाने के लिए हमें चाहिए सेब, और देख सकते हैं आप, सेब मैंने बहुत ज़्यादा महंगी क्वालिटी के नहीं लिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी क्वालिटी के सेब लेने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे सेब ही इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, सेब अच्छे से धो लेने हैं। धोने के बाद इनके जो सीड हैं, इनके जो बीज हैं, उनको आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेने हैं, और आपको चाहिए इस तरह का कांच का कंटेनर, छोटा या बड़ा जैसा भी हो आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ दो ही सेब से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है उसमें दो ही सेब आए हैं। आप इसमें क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए, कम ज़्यादा आप चाहे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर डालनी है शुगर, तो मैं यहाँ ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ, और 2 से 3 चम्मच इसमें आप शुगर के डाल लीजिएगा। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, आप प्लेन वाली शुगर भी डाल सकते हैं। और जो पानी है वो आपको लेना है आरओ का। अब आप बोलेंगे आरओ तो सबके पास नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जिनके पास आरओ नहीं है वो क्या करें, पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए, और ठंडा होने के बाद फिर इसको इसमें डालिएगा। अब पानी कितना डालना है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पानी जो है वो भर कर डालना है, सेब से थोड़ा सा ऊपर पानी आना चाहिए। अब जो लास्ट वाले सेब है ना, जो ऊपर होते हैं, वो पूरी तरह से तो इसमें डूबेंगे नहीं, ये देखिए, लेकिन पानी जो है ऊपर तक है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से सेब इसमें कम कर लीजिएगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो, लेकिन ये जो सेब है ना, अपने आप नीचे बैठ जाएंगे, तो टेंशन आपको कुछ भी नहीं लेनी है, बहुत ही आसान है। और अब मलमल के कपड़े से इसे मैं ढक रही हूँ, डबल किया हुआ है मैंने इसको, और इसको इस तरह से आप रबड़ से या धागे से बांध लीजिए, और किसी डार्क जगह पर रख लीजिए, यानी कि जहाँ लाइट ना आती हो उस जगह पर आप रख लीजिए, और इसको छेड़ना भी नहीं है। अब एक दिन इसको रखेंगे, और एक दिन के बाद फिर इसे हम खोलेंगे, उसके बाद फिर से इसमें हम चीनी डालेंगे। तो अब हम 4 दिन तक इसी तरह से 2-2 चम्मच चीनी के इसमें डालते रहेंगे। पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हुआ है, हल्का सा, अभी 1-2 दिन ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है कि लकड़ी या प्लास्टिक की चीज से ही इसको इस तरह से उथल पुथल करना है। तो मैंने भी यहाँ लकड़ी की स्टिक ली है, और इसमें डाल रही हूँ फिर से ब्राउन शुगर 2 चम्मच, जो भी आपके पास शुगर हो आप यूज़ कीजिएगा। अब 2 चम्मच डाल दीजिए, अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए, और जो ऊपर वाले पीस है ना, उनको नीचे को धकेलना है, और जो नीचे वाले हैं ऊपर को आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपको 4 दिन तक डेली इसको खोलना है, इसमें 2 चम्मच डालने हैं, और फिर बांध कर रख देना है अंधेरी जगह पर, मतलब जहां ज्यादा आप छेड़ते ना हो और सनलाइट नहीं जानी चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह से अगले 5 दिन हम इसमें 1-1 चम्मच ही डालेंगे। पहले 2-2 चम्मच डाले थे ना, अब अगले 5 दिन आप 1-1 चम्मच डालिएगा। अब आप बोलेंगे इतनी ज़्यादा चीनी हो गई, ये तो हेल्दी ही नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं 4 दिन के बाद, 5वें दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो बबल्स हैं, इसका मतलब इसमें बैक्टीरिया बन रहा है, इसमें फर्मेंटेशन हो रही है, ईस्ट बनना इसमें शुरू हो गया है। और अब आपको क्या करना है, इसको फिर से इस तरह से उथल पुथल करना है, और 1-1 चम्मच आप 5 दिन तक डालते रहिएगा। पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे देख देख कर। तो बस आपको क्या करना है कि इसमें 1-1 चम्मच 5 दिन तक डालते रहना है। अब आप बोलेंगे इसमें इतनी ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ये हेल्दी कैसे हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो चीनी है हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है। बैक्टीरिया इस चीनी को खाएंगे और फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आपके पास फिर फैल जाएंगे, ईस्ट या फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं।
और दोस्तों इसके ऊपर आप ढक्कन मत लगाइएगा, इस तरह से कपड़े से ही बांधिएगा। कपड़े से इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि इससे फिर थोड़ी बहुत हवा जो है वो लगनी चाहिए, बहुत ज्यादा हवा भी नहीं लगानी है लेकिन थोड़ी हवा क्रॉस होनी चाहिए तभी बैक्टीरिया अच्छे से फैल पाएगा। अब 10 दिन हमने लगातार इसमें चीनी डाली, अब अगले 5 दिन आपको एक दिन छोड़कर इसमें चीनी डालनी है क्योंकि बैक्टीरिया जो है काफी अच्छे से बन गया है, अब उसको हमें बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत नहीं है। अब एक दिन छोड़कर आप इसको खोलिएगा और फिर इसको आप उथल पुथल कीजिएगा। तो ये देखिए 15 दिन के बाद हमारे जो एप्पल है हल्के हल्के कलर उन्होंने चेंज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं इस पे फंगस नहीं है, फंगस इस पर नहीं लगनी चाहिए। अगर फंगस लग गई आपका जो एप्पल साइडर विनेगर है वो सही नहीं बन रहा है। और दोस्तों 15 दिन के बाद इसमें हमने कोई चीनी नहीं डालनी है, बस आप दूसरे चौथे दिन इसको इस तरह से उथल पुथल करते रहिएगा, हर रोज भी खोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें से आपको तेज स्मेल आएगी अल्कोहल के जैसे, जिस तरह से शराब होती है ना ठीक वैसे ही आपको स्मेल आएगी। एक्चुअल में ये अल्कोहल ही बना है, अभी विनेगर नहीं बना है, ये शराब ही है एक किस्म की। तो देखिए बाहर की कंट्री में तो इसे गेस्ट को सर्व किया जाता है ठीक उसी तरह से जैसे हम चाय पानी देते हैं ना मेहमान को, उसी तरह से एप्पल साइडर सर्व किया जाता है। तो अब हमने 1 महीना इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि विनेगर बनने में अभी 1 महीना और बाकी है, अभी हमारे पास साइडर ही बना है ठीक है। तो देखिए 1 महीने के बाद अब इसे मैं फिर से खोलूंगी, वैसे बीच बीच में खोला है जैसे कि आपको मैंने बताया। अब ये देखिए बिल्कुल नीचे ये बैठ गए हैं एप्पल, इसका मतलब अब अच्छी तरह से ये तैयार है। तो इसमें आपको 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, मुझे पूरा 1 महीना लगा है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको एप्पल को अलग कर लेंगे और साइडर को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़ा ले लीजिए, आप चाहे तो दूसरे की किसी की हेल्प लीजिएगा, अकेले थोड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए मेरा भी कपड़ा सरक रहा है लेकिन मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ इसलिए अकेले ही मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से स्क्वीज कर देना है, अच्छी तरह से इसको निचोड़ देना है। तो सारा जो साइडर है वो अलग कर देना है, एप्पल अलग कर देना है। दोस्तों अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जिसमें कि एप्पल साइडर विनेगर जो है बहुत फायदा करता है। डायरेक्ट इसको लेकिन नहीं लिया जाता है, किस तरह से इसको लेना चाहिए वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए एप्पल हम अलग कर लेंगे और साइडर को फिर से इसमें कंटेनर में डाल लेंगे और 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इसे हम बंद करके रखेंगे। अभी हमारे पास विनेगर नहीं बना है, जब इसे हम 15 से 20 दिन या 1 महीना रखेंगे तभी विनेगर बनेगा। और ये जो एप्पल बचे हैं इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे फेंक भी सकते हैं लेकिन मैं तो इसकी चटनी बनाती हूँ। और ये देखिए इसे हम 20 से 25 दिन तक ऐसे ही रख देंगे बंद करके, और 25 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें मदर बनना शुरू हुई है, मदर जो है वो ऊपर जो वाइट सी लेयर बन रही है ना बिल्कुल सॉफ्ट मलाई के जैसे होती है, जैसे कि कोकोनट के अंदर सॉफ्ट मलाई होती है ना ठीक वैसे ही मदर भी बनेगी, एकदम व्हाइट होती है ये, सफेद कलर की मदर तैयार होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि नीचे मदर बनती है, नहीं नीचे जो अगर आपको कुछ दिखाई दे तो वो एप्पल के चंक्स हो सकते हैं, मदर आपको ऊपर से ही बनना शुरू होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अच्छी सी मदर तैयार हो तो उसके लिए आपको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, लेकिन सिरका हमारा तैयार है। अभी मुझे आप तक वीडियो पहुंचाना है तो मैं 1 महीने का वेट नहीं करूंगी, मुझे मदर नहीं बनानी है। अगर आपको बनानी है प्लीज आप 1 महीना और वेट कीजिएगा, क्योंकि जब हम सिरके को बोतल के अंदर डाल देंगे ना तब आपकी मदर नहीं बनेगी। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। अब इसको हम छान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये देखिए 600 ml सिरका हमारे पास तैयार हुआ है, यही सिरका अगर आप मार्केट में जाएं 200 से 300 रुपए में आपको ये मिलेगा। तो घर की चीज है, आप इसे जरूर से बनाइएगा। रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके भी बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसे आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। एक कप पानी के अंदर आप एक चम्मच विनेगर का डाल लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है या दांतों में सेंसिटिविटी होती है, प्लीज वो इसे अवॉइड कीजिए। और शुगर, थायराइड, पीसीओडी या कॉन्स्टिपेशन के लिए, वेट लूज के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, और इसे आप स्टोर कर रख सकते हैं साल भर। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो जल्द ही मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।